आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार की शाम को पहुंचे अपने गृह जनपद गोरखपुर। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर टेका मत्था। मामूली विवाद में तथाकथित सपा नेता ने युवक को मारी गोली। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस ने घायल युवक को पहुंचाया जिला अस्पताल। गंभीर अवस्था में चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज किया रेफर। एसपी सिटी ने कहा की जा रही है घटना की पड़ताल, जल्द होगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक साप्ताहिक कार्यक्रम के समापन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे गोरखपुर। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ का किया दर्शन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक। प्रगति रिपोर्ट नहीं मिलने पर सिंचाई खंड के सभी अभियंता और डीआरडीए के पीडी को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने के दिए निर्देश। नवागत सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पदभार किया ग्रहण। कहा, गोरखपुर को स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रेट गोरखपुर बनाने का करूंगा पूरा प्रयास। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोविड से हुए मौत के बाद उनके परिजनों को दिए जाने वाली सहायता राशि के प्रगति की समीक्षा बैठक। कहा, जल्द से जल्द करें आवेदन, पीड़ित परिजन ले सहायता राशि। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा अध्ययन विभाग के तत्वावधान में नया भारत, नई चुनौतियां और नई रणनीति विषय पर आयोजित हुआ विशेष व्याख्यान। रक्षा पत्रकार एवं विश्लेषक संजय सिंह ने कहा, अपरंपरागत चुनौतियों के लिए अपरंपरागत रणनीतियां बनाना है जरूरी। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 336 केंद्रों पर 35,601 लोगों को किया गया कोविड रोधी वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज 7,976 को तथा सेकेंड डोज 27,625 लोगों को लगी वैक्सीन। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की अपील। कहा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का करें प्रयोग। सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी सहित 13 लोगों को राष्ट्रीय वंदना समिति के पदाधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि। 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति हेतु भगवान से की प्रार्थना। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुआ कर्मचारी शिक्षक संयुक्त परिषद की बैठक। कहा, शासन द्वारा 1 महीने में मांगों को पूरा करने के आश्वासन पर 9 दिसंबर को होने वाले अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार को अगले 1 महीने के लिए किया गया है स्थगित। मांगे पूरा नहीं होने पर किया जाएगा आंदोलन। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद सप्ताह संस्थापक समारोह में गुरुवार को उदयमान कवि गोष्ठी का किया गया आयोजन। युवा कवि और कवित्रियों ने जोरदार प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को प्रभावित कर खूब बटोरी तालियां। और गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक हुई संपन्न। 10 दिसंबर को होने वाली रैली तथा धरना को सफल बनाने की बनी रणनीति। कहा, उनकी 5 सूत्रीय मांगों का करें निस्तारण।